राजधानी भोपाल में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के ताजुल मस्जिद में लाखों बंदों ने रब की बंदगी में सजदा किया और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ चैन अमन की सामूहिक रूप से दुआ मांगी। ईद का त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मुंह मीठा करते हैं और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। भोपाल के ईदगाह में शहर काजी सैयद मुस्ताक अली मदवी ने ईद की विशेष नमाज पढ़ाई। रमजान का पाक महीना पूरा होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ईदगाह पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और कांग्रेस के सैकड़ों नेता भी पहुंचे। सभी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। आज प्रेम का, प्यार का, इबादत का, इंसानियत का और इस देश की मिट्टी से प्यार करके इस देश को विश्व में नंबर वन ले जाने का पर्व, मोहब्बत का पर्व ईद मुबारक हो सबको। हमारे देश में जिस तरीके का एक इंसानियत का रिश्ता है, प्राचीन भारत का एक अपना इतिहास है जो हर धर्म की एक भावना है कि प्रकृति की, इंसानियत की और मानवता की रक्षा हम सबको मिलके करनी है और वो भी मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से। जैसा इस पर्व का जो मेन उद्देश्य होता है, ईद का जो मेन उद्देश्य होता है कि इंसानियत, भाईचारा और सबके जीवन में सुकून, मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है और मैं खूब ईद की इस मुबारक दिन के रोज भारत की एकता और अखंडता की प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम यदि ईद मनाने आपके साथ यहाँ आते हैं तो ईसाइयों के घर ईद क्रिसमस पे भी जाते हैं उनको विश करने के लिए, सिखों के बीच भी जाते हैं गुरु नानक जयंती पर, और हिंदुओं के यहाँ भी हम लोग जब होली, दिवाली, ढोल ग्यारस, सब हमारे हिंदू भाइयों के जो त्यौहार होते हैं उन सब भी जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई धर्म जो है ये राजनीति का अखाड़ा या राजनीतिक हथियार नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही कांग्रेस है और यही हमारा सनातन धर्म है हिंदुस्तान का, सब धर्मों का सम्मान। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।